मोदी जी, भागने से कोई फायदा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरबूज को पहले मैंने देखा है, इस तरबूज को मुझे दे दो। राहुल, ये तरबूज रास्ते में पड़ा हुआ मिला है, इस तरबूज को देखा तुमने जरूर था, लेकिन उठाया तो पहले मैंने है, इसीलिए ये तरबूज मेरा हुआ। मैं तुम्हें ये तरबूज बिल्कुल नहीं दूंगा। मोदी जी, बेफालतू की बात मत करो, मैंने आपसे कहा पोते को एक तरबूज पड़ा है, आपने तरबूज पे झपट्टा मार के उठा लिया। अगर मैं आपको नहीं बताता कि वो तरबूज है सामने पड़ा हुआ, तो आपको पता थोड़ी चलता। देखो राहुल, इस बात को मैं मानता हूँ, तुमने बताया कि पोते को तरबूज पड़ा है रास्ते में, नहीं तो मेरी नजर नहीं पड़ती इस तरबूज पे। तुमने बताया तभी मेरी इस तरबूज पर नजर पड़ी, लेकिन तरबूज को उठा तो पहले मैंने लिया, इसीलिए ये तरबूज मेरा हुआ, अब मैं किसी को नहीं दूंगा। देखो मोदी जी, बेफालतू की बात तो करो मत, आप और राहुल भैया और केजरीवाल जी और योगी जी अपना सब लोग मिलकर घूमने के लिए निकले थे, तो ये रास्ते में तरबूज पड़ा हुआ था, इस पर सबसे पहले राहुल की नजर गई, लेकिन तुमने पहले उठा लिया। अब तुमने उठा लिया तो इस तरबूज को सब लोग मिलजुल के खाते हैं, आओ इधर लाओ तरबूज को। अखिलेश, तुम्हारी इस मीठी मीठी बातों में बिल्कुल नहीं आऊंगा, मैं अकेले भागकर दूर ले जाकर इस मीठे मीठे तरबूज को फोड़कर खाऊंगा। मोदी जी, इस तरीके की बात नहीं करते, क्यों हम सब लोगों को दौड़ा रहे हो, तुम आगे आगे भाग रहे हो, हम पीछे पीछे भाग रहे हैं। अरे इस तरबूज को सब लोग मिलजुल के खा लेते हैं, ये तो रास्ते में मिला हुआ तरबूज है, कोई तुमने इस तरबूज को पैसे दे के थोड़ी खरीदा। योगी जी, भले ही पैसे दे के इस तरबूज को मैंने नहीं खरीदा हो, लेकिन अब ये तरबूज मिल गया तो मेरा ही हो गया, मैं चाहूँ तो इसे बेच के पैसे तो कमा सकता हूँ। अरे मोदी जी, कहाँ भागे जा रहे हो, आपके हाथ में ये तरबूज है, आज मैं बाजार गया था, मैं भी बाजार से एक तरबूज खरीद के लाया था, लेकिन पता नहीं रास्ते में कहाँ गिर गया। अरे लालू जी, यही आपका तरबूज है, रास्ते में ही मिला ये मोदी जी को तरबूज, ले लो अपने तरबूज को मोदी जी से, ये किसी को हमें तो खाने को दे नहीं रहे। ऐसे कैसे केजरीवाल जी, ये लालू जी का तरबूज कैसे हो सकता है? अरे भाई, ये तरबूज मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला है, कोई जरूरी थोड़ी है कि ये तरबूज लालू जी का ही हो। मोदी जी, बेफालतू की बात मत करो, रास्ते से आते वक्त मेरे झोले में से ये तरबूज गिर गया था, ये मेरा ही तरबूज है, मेरा तरबूज वापस करो, और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आ गया भाई, आ गया तुम्हारे गांव मोहल्ले में, आ गया मदारी, आ गया तुम्हारे गांव मोहल्ले में बंदर बंदरिया का तमाशा दिखाने के लिए, आ गया जल्दी जल्दी आ जाओ, और हाथ में 50 पैसे 20 पैसे 5 पैसे जो भी हो उन्हें दबा के ले चले आओ। बच्चों लोगो, आ जाओ सब लोग आ जाओ। अरे भाई साहब, ये बंदर क्या पालतू है, आपको काटता नहीं है, कुछ करता नहीं है, आपको इसको मिलने झुलने में कितना टाइम लगा, कितने दिन में मिल झुल गया? मैं भी एक बंदर पालने की सोच रहा हूँ। अरे बैठे बैठे यहाँ पर ज्यादा बातें मत बनाओ, तुम यहाँ पर तमाशा देखने आए हो या मेरा धंधा छीनने आए हो? तुम क्यों पालोगे बंदर? अरे मेरे पास है तो बंदर, इसी को देखो, मेरा धंधा कॉपी करने की कोशिश मत करो। अरे क्यों भाई, ये क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पर, क्या तमाशा लगा रखा है? अरे इंस्पेक्टर साहब, तमाशा ही तो लगाया है, तमाशा ही दिखा रहे हैं हम यहाँ पर, वही तो कह रहा हूँ मैं, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने यहाँ पर? परमिशन के बिना तुम तमाशा नहीं दिखा सकते यहाँ पर, कोई भी अगर तमाशा दिखाने के लिए आता है या कोई भी काम करने के लिए आता है उसकी परमिशन लेना पड़ती है, तुम्हें भी परमिशन लेना होगी, आ जाना थाने पे। अरे इंस्पेक्टर साहब, थाने पे आने की क्या जरूरत है, यहीं पे निपटा लो ऊंच नीच करके, बोलो क्या कर दूं बता दो। अरे तुम मुझे इस तरीके का इंस्पेक्टर समझती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके की बात करने की? मुझसे ज्यादा शरीफ इंस्पेक्टर इस एरिए में नहीं है, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, तुम रिश्वत की बात करना चाह रहे हो? अरे रिश्वत नाम से मुझे नफरत है, चलो मैं इस बार छूट देता हूँ, इस बार तुम तमाशा दिखा लो, आगे जब भी आओ तो मुझसे परमिशन लेके दिखाना, जरा दिखाना ये बंदरिया तुम्हारी कैसे नाचती है, ये नाच नहीं रही है, ये तो बैठी पड़ी है, समझे? अरे कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, अभी नचाता हूँ मैं इसको, असल में मैं तो आपको देख के डर ही गया था, ये भी आपको देख के डर गई थी, इसीलिए इसने नाचना छोड़ दिया, अभी नचाता हूँ इससे। अरे ये नाच क्यों नहीं रही है आज, नाच पता नहीं क्या हो गया, नाच भी नहीं रही है, लगता है तमाशा आज वैसे भी नहीं हो पाएगा। और भाई लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अखिलेश, तुम अपने सिर पे कितनी ईंटें ला रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ईंटें हैं तुम्हारे सर पर, 8 ईंटों का अपना नगद पैसा लो लो। और लालू जी, आपके सर पे कितनी ईंटें हैं, 1 2 3 4 5 6। लालू जी, आप अपने सर पर बहुत कम ईंटें लाती हो, तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं इस ईंट भट्टा का मालिक हूँ, और तुम लोग जो भी मजदूरी करती हो मैं नगद मजदूरी देता हूँ। अब देखो अखिलेश, अपने सर पर 8 ईंटें लाया है, इसको 8 रुपए तुरंत नगद दे रहा हूँ,
₹1 ईंट के हिसाब से। मोदी जी, इसीलिए तो हम आपके ईंट भट्टे पर काम करने के लिए आते हैं। अरे ऐसा कोई भी ईंट भट्टे का मालिक नहीं है जो नगद मजदूरी देता हो। अब देखो आप पेटी में पैसे लेकर बैठ गए, जो जितनी ईंटें लाता जा रहा है उसे उस हिसाब से आप पैसे देते जा रहे हैं। अब देखो मैं अपने सर पर 8 ईंटें लाया हूँ तो आपने मुझे ₹8 नगद दे दिए। लालू जी 6 ईंटें ला रहे हैं, उन्हें ₹6 दे दोगे आप? मैं तो ज्यादा सर पे ईंटें रख ही नहीं पाता हूँ, 6 ईंटें लाता हूँ और ₹6 मोदी जी से नगद ले लेता हूँ। फिर मैं अगले चक्कर में 6 ईंटें लाता हूँ, फिर ₹6 नगद ले लेता हूँ। लेकिन मोदी जी, आपके जैसा ईंट भट्टा मालिक मैंने आज तक नहीं देखा जो नगद पैसे देता हो। मुझे आपके ईंट भट्टा पे काम करने में बहुत ही मजा आता है, बिल्कुल नगद पैसे मिलते हैं। इसीलिए तो लालू जी मैं भी देखो मोदी जी के ईंट भट्टे पर ईंट बनाने का काम करता हूँ। देखो ईंट बना रहा हूँ मैं, जैसी ईंट बन के तैयार होंगी मेरी जितनी भी, तुरंत मोदी जी अपनी पेटी में से पैसे निकालेंगे, मुझे दे देंगे। और योगी जी तुम कैसे चले आए, तुम अपना काम बताओ। राहुल काम तुम्हें थोड़ी बताऊंगा, मोदी जी को बताऊंगा। मोदी जी मैं भी आपका नाम सुन के आया हूँ, मुझे पता चला है कि आप मजदूर की पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे देते हो, इसीलिए मैं भी आपके ईंट भट्टे पर काम करने के लिए आया हूँ। कोई जगह खाली हो तो बताओ। योगी जी माफ करना, फिलहाल तो कोई जगह खाली है नहीं, क्योंकि जब से मैंने अपनी ईंट भट्टे पर नगद पैसा देना शुरू किया मजदूरों को, मेरे पास मजदूरों की भीड़ लगी रहती है। अब मेरे पास एडवांस में इतने ज्यादा मजदूर है कि इतना तो काम भी नहीं है ईंट भट्टे पर। मोदी जी ये पैसों की पेटी लेके बिल्कुल सामने बैठे हो, किसी दिन कोई मजदूर लेके ना भाग जाए। योगी जी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मेरे इस ईंट भट्टे पर एक एक मजदूर ईमानदार है। सारे मजदूर मेहनत मजदूरी करते हैं और नगद पैसे लेते हैं मुझसे, तो उन्हें पैसा लेकर भागने की क्या जरूरत है। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल मुझे ये हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए काम पर मैं तुम्हें नहीं लाता हूँ। अब हम सब लोग तो धान की पौध लगा रहे हैं, लेकिन तुम खड़े खड़े मुंह देख रहे हो, ऐसे काम बिल्कुल नहीं चलेगा। हमारे साथ बराबर की मेहनत करो। अरे मोदी जी कब तक झुके झुके धान की पौध लगाएं? सुबह से अपना लोग खेत पर आए हुए हैं और दोपहर का खाने का टाइम होने को जा रहा है, लेकिन अभी तक तुम हमसे काम करा रहे हो। तुम ठेकेदार हो तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरा पूरा दिन तक काम कराओ। कमर दर्द करने लगी झुके झुके, मुझसे अब झुककर धान की पौध नहीं लगाई जाती। मैं तो अब जा रहा हूँ यहाँ से काम उम छोड़कर। तुम तो राहुल ऐसे एहसान दिखा रहे हो जैसे फ्री में काम कर रहे हो, तुम पैसा नहीं लेते हो काम करने का। और ये बताओ क्या तुम अकेले ही झुककर पौध लगा रहे हो धान की? हम नहीं लगा रहे। देखो लालू जी, योगी जी, अखिलेश कितनी बढ़िया तरीके से धान की पौध लगा रहे हैं, बिल्कुल अभी तक खड़े नहीं हुए जब से ये झुककर पौध लगाना चालू किए इन्होंने सुबह से। क्या मोदी जी कह रहे हो कि खड़े नहीं हुए? हमारी तो मजबूरी है आपके पास काम करना। अरे आपके पास काम नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि इस बार कहीं पर काम भी नहीं मिल रहा है। सोच रहे हैं आपके ही खेत पर थोड़ा बहुत काम करके कमाई कर ले। अरे मोदी जी थोड़ी देर मैं खड़ा हो जाऊं, मेरी कमर दर्द करने लगी, बिल्कुल झुके झुके खड़ा हो जाऊं मैं भी राहुल के तरह। थोड़ा सा सीधा खड़ा होकर कमर को आराम दे दूं क्या? अरे तुम सब लोग भी राहुल की तरह बातें करने लगे, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लालू जी मैं तो तुम्हें सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला समझता था, लेकिन ये क्या कर रहे हो तुम? तुम भी खड़े होने की सोच रहे हो? अगर ऐसे ही खड़े होकर हम सब लोग काम करते रहे तो हो गया काम। ये पूरे महीने में भी धान की पौध नहीं लग पाएगी और पड़ोस वाले खेत में धान पूरा पक जाएगा। अरे मोदी जी सुनो मोदी जी। बोलो अखिलेश क्या बात हो गई, अब तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम भी अपनी बताओ। अरे दोपहर का खाना खा ले, अब तो दोपहर का खाने का टाइम हो गया, 3 बजने वाले हैं। कब तक इस कड़कती दोपहरी में काम करवाते रहोगे? राहुल तो काम छोड़ के जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो हम भी काम छोड़ के चले जाएं। कम से कम खाना तो हमें टाइम पे खिला दिया करो। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।